शज़ैम 2 के डिसअपॉइंटिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से मूवी को एक फ्लॉप माना जा रहा है। बट आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? जबकि मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और मूवी एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है, मूवी के क्रिएटर्स और स्टार जैकी लीवाई इसके लिए ड्वेन द रॉक जॉनसन को ब्लेम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि रॉक ने ब्लैक एडम में शज़ैम के कैमियो को रोका और साथ ही साथ जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स जैसे कि हॉकमैन, एटम स्मैशर, साइक्लोन, इन कैरेक्टर्स को शज़ैम 2 में कैमियो करने से भी रोका, जिसकी वजह से मूवी परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ। मूवी के परफॉर्म नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जल्दी डीसी यूनिवर्स रिबूट होने वाला है और एक नए यूनिवर्स का स्टार्ट होगा, तो प्लॉट वाइज शज़ैम 2 का स्टोरी नए डीसी यूनिवर्स को किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस स्टोरी का कोई पॉइंट नहीं है। और आखिर लोग इस मूवी को देखने क्यों जाएंगे जब उन्हें पता है कि यूनिवर्स रिबूट होने वाला है, एक नया यूनिवर्स बनने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एंटमैन 3 ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट उसकी स्टोरी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के स्टोरी से कनेक्टेड है और एक कैंग के कैरेक्टर के बारे में डेप्थ प्रोवाइड करती है। बट शज़ैम 2 में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। शज़ैम 2 अपने पहले मूवी की तरह ही एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ किड्स, और मूवी के टारगेट ऑडियंस भी किड्स ही है। तो जो कोर डीसी फैंस या फिर स्नाइडरवर्स के फैन है वो मूवी के टोन की वजह से मूवी को देखने के लिए नहीं जा रहे। एंड द फनी थिंग इज शज़ैम 1 ने भी काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस नहीं दिया था, उसने बस अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को ही कवर किया था। इवन दो देयर इज अ सीक्वल फॉर दैट, और जैक स्नाइडर की मूवी जैसे मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जिन्होंने लगभग 800 से 900 मिलियन का ऑल टाइम बिजनेस किया था, उसे स्टूडियो एक फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट मांगती है कि उन्होंने डिजायर्ड बिजनेस नहीं किया। जबकि डीसीयू के फर्स्ट मूवीज का कलेक्शन एमसीयू के फर्स्ट मूवी के कलेक्शन से काफी ज्यादा था। शज़ैम 2 के बाद शज़ैम 2 के डायरेक्टर डेविड एफ स्टैनबर्ग ने भी सुपरहीरो मूवी से एक ब्रेक लेने का डिसीजन लिया है, जो कि काफी सही डिसीजन है। डेविड एक हॉरर मूवी डायरेक्टर है जिसने लाइट्स आउट जैसी मूवीज बनाई है और वो वापस फिर से हॉरर मूवी बनाने के लिए जाना चाहता है। सो इट्स वेरी अनलाइकली कि हमें अगले 4-5 सालों में शज़ैम 3 देखने को मिलने वाला है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कोई इस कैरेक्टर को मिस करेगा उतना ज्यादा। सो दैट्स इट, आपको मूवी कैसा लगा और क्या आप जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स में शज़ैम के नेक्स्ट एडवेंचर के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं।